नंबर तीन, पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। और पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण दो प्रकार के है। पहला है धातु मुद्रा और दूसरा है पत्र मुद्रा। और नंबर टू, धातु मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जो धातुओं से बनी होती है। अभी मैं आपको एक सिक्का दिखाया, ये सिक्का, ये कागज से बनी है कि धातु से बनी है? ऐसी मुद्रा जो धातुओं से बनी होती है, सोना चांदी या तांबा पीतल, किसी से भी धातु कोई भी हो, तो वह मुद्रा है धातु मुद्रा। और ऐसी मुद्रा जो कागज से बनती है उसे कहते हैं पत्र मुद्रा। आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है क्या पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? नोट, अगर आपकी भाषा में मैं कहूं तो पत्र मुद्रा माने नोट। सभी ने देखा होगा कि दिखाना पड़ेगा मेरे को, नहीं पड़ेगा। सिक्का भी सभी ने देखा होगा, सिक्का माने धातु मुद्रा, नोट माने पत्र मुद्रा। समझ गए? ये तो कोई अनपढ़ देहाती को भी पूछेंगे तो भी वो भी जान जाए, उसको भी बारहवीं की परीक्षा में बिठा दो कि धातु मुद्रा किसे कहते हैं और पत्र मुद्रा किसे कहते हैं, तो उसको भी सही सही उत्तर लिखेगा। जो धातु से बनी होती है धातु मुद्रा, जो कागज से बनी होती है पत्र मुद्रा। जानेगा कि नहीं? आपको तो जानना ही चाहिए। ठीक है, तो धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है। नंबर वन, प्रमाणिक सिक्का या मुद्रा, है ना, सिक्का या मुद्रा दोनों कह सकते हैं। और दूसरा सांकेतिक सिक्का या मुद्रा। धातु मुद्रा माने सिक्का भी तो है, उसी को तो धातु मुद्रा बोलेंगे ना। तो धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है, प्रमाणिक सिक्का या मुद्रा, सांकेतिक सिक्का या मुद्रा। तो सबसे पहले हम प्रमाणिक सिक्का किसे कहते हैं इसको समझते हैं। माने ये भी सिक्का है और ये भी सिक्का है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रमाणिक मुद्रा भी सिक्का है, सांकेतिक मुद्रा भी सिक्का है, लेकिन दोनों में अंतर है। प्रमाणिक सिक्का देश की प्रधान मुद्रा होती है, मेन मुद्रा होती है। और सारे जो भी बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात यह है कि वो बहुमूल्य धातुओं से बनी होती है, जैसे सोना या चांदी, और उसका आंतरिक मूल्य उसके बाह्य मूल्य के बराबर होती है या ज्यादा भी हो सकती है। इसमें कुछ पूछना है आपको? हाँ, मैं चाह रहा था कि ये आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य वाला बात सवाल को आप पूछो। देखिए, मैं एक सिक्के का चित्र बना रहा हूं। ये 2 रुपए का सिक्का है, आप लोग देखिए। अच्छा, 2 रुपए का बड़ा वाला सिक्का देखो, जो बहुत बड़ा साइज का रहता है, देखे हो ना। अगर उसमें लिखा कितना रहता है, 2 रुपए, अगर उस सिक्के को आप आग में गला दो और उस सिक्के को इतना बड़ा गोला बना लो, है ना, और उस धातु, अब तो सिक्का गया, उसमें बचा क्या, धातु। अब उस धातु को बाजार में बेचो,
क्या उसका मार्केट में कीमत 2 रुपए होगा? नहीं। एक 10 का सिक्का, 10 का सिक्का देखे हो ना, एक 10 के सिक्के को आग में गला दो आप और बचे गया उसमें धातु, उस धातु को बाजार में बेचो आप सोना दुकान में, 10 रुपए के सिक्के में सोना चांदी लगा रहता है क्या? नहीं लगा रहता। उसको बेचोगे तो कितना मिलेगा आपको? 1 आध रुपये भी नहीं मिलेगा मेरे को ना। लेकिन वो सिक्का कितने का था? वो सिक्का था 10 रुपए का, लेकिन उसके अंदर धातु 10 रुपए की थी नहीं थी, है ना? उसके अंदर धातु 10 रुपए की नहीं थी, वो हो गया अंदर नहीं थी धातु, आंतरिक मूल्य। और उसमें लिखाया कितना था? ये है उसका बाह्य मूल्य। मैं सांकेतिक सिक्का का बता रहा हूं। सांकेतिक सिक्का घटिया किस्म के धातु से बनी होती है। घटिया मीन्स पीतल, तांबा, लोहा, है ना? जैसा आजकल आप सिक्का देखते हैं 5-10 के सिक्के, 1 या 2 रुपए के सिक्के, वो घटिया किस्म के धातु से बने होते हैं। उसमें जो बाह्य मूल्य होता है और जो आंतरिक मूल्य होता है, दोनों का तुलना करेंगे तो बाह्य मूल्य ज्यादा रहता है और आंतरिक मूल्य कम रहता है। किसमें? सांकेतिक। सांकेतिक मुद्रा अगर मैं बोलूं तो आजकल जो सिक्का चलता है उसको समझना, वो घटिया किस्म के धातु से बनी होती है और उसका बाह्य मूल्य ज्यादा रहता है, माने छापा मूल्य, और उसमें उतनी की धातु नहीं रहती है, मतलब उसका आंतरिक मूल्य कम रहता है। बाह्य मूल्य ज्यादा रहता है, आंतरिक मूल्य कम रहता है। लेकिन मैं आपको प्रमाणिक सिक्का बता रहा हूं। अप्रमाणिक सिक्का क्या चीज से बनी होती है? बहुमूल्य धातु से, सोना अथवा चांदी से। अर्थात ये सिक्का चांदी की बनी हुई है और उसमें अगर 100 रुपया भी लिखा है उस सिक्के में, और उस सिक्के को आप आग में गला करके सुनार के दुकान में बेचोगे तो 100 रुपये मिलेंगे आपको, क्योंकि वो सिक्का सोना का है या चांदी का है। अर्थात इसमें जो कीमत लिखा है, छपा है, और उसके अंदर जो धातु है, वो दोनों बराबर है। किसमें? प्रमाणिक सिक्का। हालांकि आजकल ऐसा सिक्का आप नहीं पाएंगे मार्केट में, प्रमाणिक सिक्का आप नहीं देखेंगे। आजकल सोने और चांदी के सिक्के छपना ढलना बंद हो गए। लेकिन भारत में राजा महाराजाओं का जब जमाना था 1700, 1800, 1600 ईस्वी में, उस समय जो सिक्के चला करते थे वो प्रमाणिक सिक्का ही हुआ करता था, सोने अथवा चांदी के सिक्के ही होते थे। चलिए एक बार मैं आपको फिर से दोनों को समझा देता हूं। एक बार तो समझ गए ना, फिर से। प्रमाणिक सिक्का वह सिक्का होती है जिसमें बहुमूल्य धातु होते हैं, देश की प्रधान मुद्रा होती है। अकबर और बीरबल के जमाने में जो सिक्का चलता था या राजा महाराजाओं के जमाने में, वो सोने चांदी के हुआ करते थे और वही मुद्रा, कागज के मुद्रा तो हुआ नहीं करते थे। तो प्रमाणिक सिक्का देश की प्रधान मुद्रा होती है, मेन मुद्रा, उसी से लेन देन होता है। दूसरी बात, वो सोने अथवा चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की बनी होती है। तीसरी बात, उसका आंतरिक मूल्य और उसका बाह्य मूल्य बराबर होता है। इसमें अगर जाएं हम सांकेतिक मुद्रा में, तो सांकेतिक मुद्रा घटिया किस्म के धातुओं से बनी होती है, पीतल, लोहा वगैरह, और वो देश, मेन बात, ये देश की प्रधान मुद्रा होती है, लेकिन ये देश की प्रधान मुद्रा नहीं होती है, ये देश की सहायक मुद्रा होती है। किसी को 510 रुपया देना है तो हम 500 का एक नोट और 10 का एक सिक्का देंगे,
कि 510 का पूरा सिक्का देंगे? नहीं, नहीं। पकड़ेंगे भी नहीं हम। तो ये जो सांकेतिक मुद्रा है लेन देन को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए यूज करता है, यूज होता है। ये देश की सहायक मुद्रा है। किसी को 502 रुपया देना है तो 500 का नोट देंगे और 2 रुपये का सिक्का देंगे। 2 रुपये को पेमेंट करने में इसने मदद किया। ये हेल्पिंग वाला है, सहायक है, सहायक मुद्रा है। घटिया धातु से बनी होती है, इसके गुम जाने से भी ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। और सोने चांदी का सिक्का गुम गया तो गया, गया मतलब तकलीफ हुआ है ना। तो मुझे उम्मीद है आपने इसे समझ लिया होगा। प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। प्रमाणिक मुद्रा सांकेतिक मुद्रा दोनों में अंतर। आपके इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण अंतर है, एक तो प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में अंतर, और दूसरा उसके ठीक नीचे है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर। ये दोनों में से एक अंतर परीक्षा में आ गया, समझो आप, मेरी तरफ से फुल गारंटी है 101%। ये दोनों अंतर में से एक अंतर आ गया परीक्षा, मान के चलो। चलिए धातु मुद्रा सॉरी प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में अंतर देखते हैं। पहला अंतर, ये देश की प्रधान मुद्रा होती है। मैंने जब इसका अर्थ बताया तो उसी समय बता दिया था क्यों प्रधान मुद्रा होती है, क्योंकि ये सोने अथवा चांदी की बनी होती है। लोग इसको 1,00,000 पेमेंट करोगे तो भी लेंगे, सोने चांदी के सिक्के को नहीं लेंगे क्या? लेकिन ये प्रधान मुद्रा नहीं होती है, ये सहायक मुद्रा होती है। देखिएगा दुकानदार का मुंह को जब आप सिक्का देते रहते हैं तो दो ऐसा करता है ना, ये सहायक मुद्रा है इसलिए उसका मुंह बदल जाता है। आप ये मुद्रा देके देखिएगा, उसका मुंह चेहरे से खुशी से खिल उठेगा। और है क्या भैया, बोलेगा आप, बोलेगा ना। तो ये सहायक मुद्रा को लेने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन प्रधान मुद्रा चूंकि बहुमूल्य कीमती धातुओं से बनी होती, और कोई लेना चाहता है। आजकल वैसे है नहीं किसी के पास प्रधान ये संकेत ये प्रमाणिक मुद्रा आजकल नहीं है, फिर भी लोग खोजते हैं पागलों की तरह। हनुमान सिक्का है क्या कहीं? कुछ लोग अपना पूरा जिंदगी खपा देते हैं उसको, है ना। चलो मैं आपको हनुमान सिक्का की हिस्ट्री, कैसे वो हनुमान सिक्का को बनाया गया और कितनी मात्रा में बनाया गया और क्यों वो किसी चीज को खींचता है और लोग पागलों की तरह क्यों उसे ढूंढ रहे हैं और किसी को मिलता तो नहीं है लेकिन दावा सभी करते हैं कि मैंने देखा है, इसके बारे में आपको बताएं। एक्चुअल में हनुमान सिक्का को अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने जो सूर्य मंदिर का सबसे ऊपर गुंबद लगा था उसको गिरा दिया। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है ऊपर में जो धातु का गुंबद लगा था उसको गिरा दिया, क्योंकि उसमें जो चुंबकत्व था वो समुद्र में जहाजों को उनकी दिशा से भटका देता था, उनका कैंपस काम नहीं करता था। तो अंग्रेजों को अंग्रेजों के जहाज भटक जाते थे, तो उन्होंने उस गुंबद को गिरा करके वो गुंबद को सिक्के में बदलवा दिया। 1600 सिक्का बनवाया उन्होंने हनुमान छाप सिक्का, और यही मार्केट में घूमने लगा। आज लोग उसको पागलों की तरह खोजते हैं, लेकिन वो 1600 सिक्का पता नहीं इंडिया में भी है कि नहीं, कि इंडिया से बाहर चला गया,
उसका फायदा उठा करके लोग डुप्लीकेट हनुमान छाप सिक्का बना करके ये लिखो ओरिजिनल, ये चावल को भी खींचता है, ऐसा दिखाते हैं उन लोग। लेकिन सही बात यह है कि अंग्रेजों ने स्वर्ण सूर्य मंदिर कोणार्क के गुंबद को गिरवा करके 1600 सिक्का ढाला और उसे चलन में लाया था। वो सिक्का जहां कहीं किसी को मिलता था तो वो सही में उसमें चुंबकत्व शक्ति थी और ऐसी शक्ति थी कि नॉन मेटल चीजों, जो मेटल जो धातु नहीं है उनको भी वो उसमें भी उसको भी आकर्षण करती थी। सोचिए भारत के राजाओं ने कैसा चीज बनाई थी उन्होंने, है ना। तो अंग्रेज तो भारत के जितने भी चीजों को नष्ट करना चाहते थे उन्होंने उसको नष्ट करके 1600 सिक्का बना करके मार्केट में चला दिया ताकि इधर उधर हो जाए, और इधर उधर हो भी गया। लेकिन उसे अब पूरी आज से 250-300 साल पहले वो चीज मार्केट में घूम रही थी, आज खोजोगे तो कहां मिलेगा, है ना। पहला अंतर, प्रमाणिक मुद्रा प्रधान मुद्रा होती है, सांकेतिक मुद्रा सहायक मुद्रा होती है, और मूल्य के आधार पे अंतर करेंगे ना। प्रमाणिक मुद्रा में उसका आंतरिक मूल्य और उसका बाह्य मूल्य बराबर होता है, क्योंकि सोने चांदी का बना होता है। उसमें 100 रुपया लिखा है तो 100 रुपए की धातु उस पे होती है, परंतु ये जो सहायक मुद्रा है या सांकेतिक मुद्रा है उसमें जितना दाम लिखा है उतने की धातु उस पे नहीं होती। तो आप क्या बोलेंगे, प्रमाणिक मुद्रा में जो आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर होती है, सांकेतिक मुद्रा में आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर नहीं होती, बल्कि उसका जो बाह्य मूल्य है आंतरिक मूल्य से बहुत ज्यादा रहता है ना। तीसरा, टंकण। पहले सुना था इसको शब्द को, टंकण मने सिक्के को ढालना और बनाना, छाप जैसे उसमें लगता है ना छापा, उसी को बोलते हैं टंकण। प्रमाणिक मुद्रा को बनाने में उसका टंकण स्वतंत्र होती है, समझ गए। और इसको स्पष्ट समझाऊं, चलो पहले तो ये बता देता हूं कि प्रमाणिक मुद्रा का टंकण स्वतंत्र होता है, सांकेतिक मुद्रा का टंकण स्वतंत्र नहीं होता है, इतना आपको याद करना है। लेकिन याद करना नहीं पड़ेगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। सरकार का कहना है कि प्रमाणिक मुद्रा को आप में जितनी ताकत है उतना छाप लो, जितना आपके पास सोना चांदी है चाहो तो सबको आप सिक्का बना लो, कोई रोक टोक नहीं है। अरे आदमी के पास जितना सोना और चांदी होगा उतना ही तो छापेगा ना उसको, तुम्हारे में जितना दम है उतना सिक्का बना लो, कोई रोक टोक नहीं। इसलिए इसका टंकण फ्री है, स्वतंत्र है। लेकिन चूंकि ये तो घटिया धातु से बनाई जाती है ना, इसको जितना चाहे उतना बना लो बोलने से नहीं बनेगा ना। दुनिया में बहुत ज्यादा घटिया धातु के सिक्के नजर आने लगेंगे देश में, इसलिए सांकेतिक सिक्का या सांकेतिक मुद्रा का टंकण स्वतंत्र नहीं होता है। सरकार उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि इतने सिक्के 10 के बनने हैं, इतने 5 के बनने हैं, इतने 2 के बनने हैं, ऐसा सरकार एक या RBI निर्देश जारी करती है, और उतनी ही मात्रा में उसका टंकण होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है।
इसको टंकण फ्री इसलिए कर दिया गया है, जितना मर्जी उतना आप टंकण कर लो या बना लो, तो आदमी सरकार भी कितना टंकण करेगी? सोने और चांदी के सिक्के का कोई जोर से ज्यादा टंकण कर सकता है क्या? फ्री छूट दे देने से भी नहीं कर सकता। कुल मिला के तीसरा अंतर ये कहना है कि प्रमाणिक मुद्रा का टंकण स्वतंत्र होता है, जबकि सांकेतिक मुद्रा का टंकण स्वतंत्र नहीं होता, उसका एक लिमिट होता है। नंबर चार, अच्छा विधिग्रह के आधार पे ना, विधि ये छूट गया था, ठीक है। आपको विधिग्रह मुद्रा में दो प्रकार बताया था, सीमित विधिग्रह और असीमित विधिग्रह। इसमें सांकेतिक मुद्रा जो है सीमित विधिग्रह है, माने घटिया धातु के सिक्कों को आप ज्यादा दोगे दुकानदार को तो थोड़ी लेगा, वो कम लेगा। और ये प्रमाणिक मुद्रा जो है असीमित विधिग्रह है, सोने और चांदी का सिक्का किसी को दोगे तो जितना दोगे उतना लेगा, नहीं मैं नहीं लूंगा बोलेगा क्या? प्रमाणिक मुद्रा असीमित विधिग्रह है, सांकेतिक मुद्रा सीमित विधिग्रह है। नंबर पांच, धातु के आधार पर। प्रमाणिक मुद्रा किस धातु से बनी होती है? सबको मालूम हो चुका होगा मुझे लगता है, स्वर्ण अथवा रजत। रजत चांदी का बोलते हैं, है ना? तो गोल्ड अथवा सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी। प्रधान मुद्रा स्वर्ण अथवा रजत, अगर रजत भूल गए तो चांदी लिख देना भाई, वो सही होगा, ठीक है, से बनी होती है। और ये किस धातु से बनी होती है? लोहा का। उतना बोलने के बजाय प्रायः ये घटिया धातु से बनी होती है लिख देना, है ना? सोने चांदी की तुलना में वो घटिया धातु ही तो है। और अगर आप लिख सको तो तांबा, पीतल, लोहा, इन धातुओं से बनी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अभी आपने धातु मुद्रा पढ़ लिया, धातु मुद्रा से संबंधित सारे सवाल के जवाब आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा, पेपर मनी। पत्र मनी, पेपर, पत्र मुद्रा अथवा पेपर मनी, जो कागज से जो मुद्रा बनती है उसे हम पत्र मुद्रा कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसे नोट भी कहा जाता है। आजकल प्रायः धातु मुद्रा की तुलना में पत्र मुद्रा का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। धातु मुद्रा आपने पहले पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पत्र मुद्रा को पढ़ना क्या है? नोट को देखा है ना आपने, कागज की बनी हुई मुद्रा पत्र मुद्रा, खत्म बात, उसमें और क्या पढ़ना। अब आप ये भी जानते हो कि आज वर्तमान समय में धातु मुद्रा की तुलना में ज्यादा प्रचलन किसका है? पत्र मुद्रा का। तो धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर देखते हैं। पहला अंतर, धातु मुद्रा वजन में भारी होती है, ये पत्र मुद्रा वजन में
धातु मुद्रा स्थान अधिक घेरती है और पत्र मुद्रा स्थान कम स्थान घेरती है। कोई आदमी पॉकेट में 10-20 हजार पकड़ा रहेगा तो पता नहीं चलेगा, पत्र मुद्रा को पकड़ा रहेगा 10 हजार, तो मेरे पॉकेट में इस वक्त 10 हजार है, आपको पता चल रहा है? ये देखो 10,000 पकड़ा हूं, किसी को पता नहीं चला ना, पत्र मुद्रा है ये इसलिए। लेकिन 10 हजार का मैं धातु मुद्रा पकड़ा रहता तो एक ही पॉकेट में नहीं आता, इस पॉकेट में ऐसे रहता, इस पॉकेट में ऐसे रहता, और दोनों पॉकेट में नहीं आता तो इधर उधर भी डाला रहता, और चलता तो छुनर छुनर बजता रहता होता कि नहीं। कोई भी आदमी रोड में आता रहता मैं तो जान जाता कि ये तो माल पकड़ा है भाई, लूटा जाए इसको, है ना। और अभी कोई भी नहीं जानेगा कि ये आदमी 10 हजार रुपए पकड़ा है बोलकर, जान सकता है नहीं। तो पत्र मुद्रा कम स्थान घेरती है, धातु मुद्रा अधिक स्थान घेरती है, भारी भी होती है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा हल्की होती है। इसमें एक और चीज जोड़ देना नंबर वन में ना, एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में भी जिसको हम कहते हैं वहनीयता कहा जाता है उसको, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने को बोला जाता है वहनीयता। धातु मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती है, जबकि पत्र मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कोई कठिनाई नहीं। तो इसमें तीन चीजें आपको जोड़ के बोलना है, भारी और हल्की के आधार पे, स्थान के आधार पे, और लाने ले जाने की सुविधा के आधार पे अंतर करना है। वास्तव में आप देखें तो ये तीन अंतर है, लेकिन एक ही में उसको डाल दिया है, अलग अलग भी आप कर सकते हो। ये हल्की होती है, ये भारी होती है, ये कम जगह घेरती है, ये ज्यादा जगह घेरती है, इसको आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, इसको आसानी से लाने ले जाने में प्रॉब्लम होती है, तीन बातें बना सकते हैं। लेकिन आपके उत्तर में आपका उत्तर ऐसा हो कि ज्यादा इफेक्टिव हो तो और अंतर को भी तो हमको लेना है ना, इसी को तीन बना दिए और तीन चार नंबर का है तो और अंतर छूट जाएंगे। और अंतर क्या है? निर्गमन, निर्गमन करना यानी उसको जारी करना, है ना, जारी करना। अब जारी कैसे, अब पत्र मुद्रा, अब नोट कैसे जारी होता है? पहले उसको कागज को मंगाया लाया जाता है, कागज को मशीन में डाला जाता है, उसमें प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है, फिर उसे मार्केट में दिया जाता है। तो नोट को छाप करके मार्केट में लाना, इस प्रक्रिया के लिए एक शब्द है निर्गमन। सिक्के को ढाल करके मार्केट में लाना, इसका एक ही नाम है निर्गमन, मैंने जारी करना सरल शब्दों में, ठीक है। धातु मुद्रा का निर्गमन सरकार करती है, जो केंद्र में सरकार होती है ना, वो धातु मुद्रा सिक्का वही बनाती है। हाँ यस, लाइक क्या लिख के फिर से समझो जी। धातु मुद्रा को का निर्गमन सरकार करती है, इसको और सरल शब्दों में बता देता हूं कि सिक्कों को सरकार बनाती है, ठीक है जी। पत्र मुद्रा का निर्गमन वहां का केंद्रीय बैंक करती है, सरकार नहीं करती,
भारत के मामले में अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो भारत में एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम क्या है बताओ, आरबीआई, आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या होता है इसका नाम? नोट को एक तरफ से देखोगे तो लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे देख ही लेते हैं ना, है तो इधर हिंदी में लिखा है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। और इधर अंग्रेजी में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। भारत में, पाकिस्तान में नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहां का केंद्रीय बैंक है। मतलब ये कि नोट सरकार जारी नहीं करती, नोट जारी करती है वहां का केंद्रीय बैंक, और भारत का केंद्रीय बैंक है ये, और दूसरे देशों के दूसरे केंद्रीय बैंक नाम अलग अलग होता है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, वो वहां का केंद्रीय बैंक है और वहां का नोट वो जारी करता है। तो किसी भी देश का नोट वहां का केंद्रीय बैंक जारी करता है और सिक्का को केंद्रीय बैंक जारी ना करके सरकार जारी करती है। नोटों के बारे में जब मैं आपको कह रहा हूं कि भारत में नोट कौन जारी करता है, दोनों उत्तर आपका सही होगा। अगर आप कहेंगे कि भारत में नोट केंद्रीय बैंक जारी करता है तो भी सही बात है, लेकिन उस केंद्रीय बैंक का नाम भी है भाई, क्या नाम है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, आगे भी आप कॉलेजों में जाएंगे या जनरल नॉलेज में भी ये सवाल पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे नोट जारी नहीं करता है, एक नोट को छोड़ के सारे नोट जारी करता है, एक नोट को छोड़ के। हाँ। कोई बताएगा क्या सवाल? फिर से सुनिए, पत्र मुद्रा यानी नोट को कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सारे पत्र मुद्रा को यानी सारे नोट को रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, एक नोट को छोड़ करके बाकी सब नोट को जारी करता है। वो एक नोट को रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, भारत सरकार उस नोट को जारी करती है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं रहता है, उसमें भारत सरकार के वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है। वो नोट कौन सा है, कितने रुपए का नोट है वो? एक रुपए के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता है, उसे भारत सरकार जारी करती है। और एक रुपए से ज्यादा के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। जब आप नोट को देखेंगे ध्यान से तो इसमें अंग्रेजी और हिंदी में लिखा रहता है कि मैं इस नोट के धारक को यानी इस नोट को पकड़ने वाले को, एक्चुअली ये तो कागज का टुकड़ा है, ये गारंटी पत्र है, और गारंटी कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। इसमें लिखा है इस नोट को पकड़ने वाले को मैं 200 रुपया देने का वचन देता हूं, और अब दस्तखत किया है और उसमें गवर्नर लिखा है, वो रिजर्व बैंक का गवर्नर हस्ताक्षर किया है। ये कागज को लेकर के आप जाएंगे गवर्नर को, उसको उसके पास रखेंगे, लो लाओ 200, तो 200 का सोना आपको देगा। किसी भी नोट को छापने से पहले उतने रुपए का सोना रिजर्व बैंक के पास स्टॉक में रखा जाता है,
और इसीलिए दस्तखत करके देता है कि इस कागज को पकड़ने वाले को मैं इतना रुपए देने का वादा करता हूँ, साइन करके देता है, इसलिए लोग इस नोट को लेते हैं। लेकिन एक रुपए के नोट पे मैं धारक को एक रुपए देने का वादा करता हूं करके गवर्नर साइन नहीं करता है, भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हस्ताक्षर करते हैं। सिर्फ अंतर नोटों में यही अंतर है, एक रुपए के नोट को छोड़कर के सारे नोट गवर्नर आरबीआई जारी करता है, सिवाय एक रुपए के छोड़कर के एक रुपए को आरबीआई जारी नहीं करता। अक्सर ये सवाल आता है, लोग यही सोचते हैं कि एक सारे पत्र, टीचर भी यही पढ़ाए रहते हैं कि पत्र मुद्रा को तो आरबीआई केंद्रीय बैंक जारी करता है, ये पढ़ाए रहते हैं, तो एक रुपए का नोट कौन जारी करता है प्रश्न आता है, तो बच्चे यही लिख देते हैं कि एक रुपए का नोट आरबीआई जारी करता है, एक रुपए को छोड़ के सारे नोट आरबीआई जारी करता है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे बाकी को ना। नीरज सर नहीं आए हैं वैसे तो, क्या इरादा है? हाँ,